नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। शेखर ट्रैवल प्लस व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दशाश्वमेध घाट और उसके बाद घाट वॉक करते हुए गंगा पुष्करालू में जुटे तीर्थयात्री दिखाने के लिए, जो घाटों पर पिंडदान के बाद बाबा विश्वनाथ और अन्य मंदिरों का रुख कर रहे हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर। यह देखिए, हम आपको अपने पीछे दिखा रहे हैं भीड़, श्रद्धालुओं की भारी भीड़, दक्षिण भारतीय श्रद्धालु जो घाटों पर पितरों के पिंडदान के निमित्त आए हुए हैं। देखिए चारों तरफ आपको लोग दिख रहे हैं और ये हमारे चैनल पर लाइव कवरेज हम आपको दे रहे हैं, खुद वहाँ पर जाकर ऑन द स्पॉट। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, अंत तक देखिए। यह देखिए, हम पहुँचे दशाश्वमेध भवन और इसकी छटा निराली दिख रही है, साफ सुथरा दिख रहा है। और इधर देखिए, दीवार पर जो भित्ति चित्र बने हैं उनकी खूबसूरती देखिए, बाबा विश्वनाथ, नंदी बाबा और सूर्य का रथ, आप सब कुछ देख सकते हैं यहाँ। और बाहर जो परिसर है इसका, दशाश्वमेध भवन का, साफ सुथरा, पत्थर लग चुके हैं। और देखिए इसके बाहर सड़क जो है वो भी साफ़ सुथरी हो गई है, चौड़ी हो गई है, पत्थर नए लग गए हैं। और सामने माँ गंगा दिख रही हैं, हर हर गंगे। और ये दशाश्वमेध घाट है, नीचे आप देख सकते हैं कि गंगा आरती के जो मंच हैं वो दिखाई देने लगे। आइए और आगे चलते हैं। अब आपके फ्रेम में गंगा आरती के मंच और साफ दिख रहे हैं। और देखिए लोगों की भारी भीड़। हम दशाश्वमेध घाट पर पहुंच गए, यहाँ से घाट वॉक करते हुए हम ललता घाट तक जाएंगे और वहाँ से बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में प्रवेश करते हुए जाएंगे। आपको बता दें, ये जो गंगा माँ पर जो भीड़ जुटी है वो गंगा पुष्करालू में तीर्थयात्री आए हैं, दक्षिण भारतीय तीर्थयात्री। ये देखिए गंगा सेवा निधि, यहाँ पर ये गंगा आरती होती है। तो ये दक्षिण भारत से श्रद्धालु आए हैं जो पिंडदान घाटों पर करने के बाद बाबा विश्वनाथ और काशी के अन्य मंदिरों का रुख कर रहे हैं। ये देखिए नया डेवलपमेंट, महिला चेंजिंग रूम। तो दो महिला चेंजिंग रूम भी दशाश्वमेध घाट पर लगाए गए हैं और ये बहुत अच्छी पहल है और स्नान आदि करना अत्यंत सुगम हो गया है। मंगलवार को, अभी आज गुरुवार है, मंगलवार को दशाश्वमेध घाट पर दो नए चेंजिंग रूम लगाए गए। सृजन सामाजिक विकास न्यास, त्रिदेव ग्रुप, 95 बटालियन, CRPF, गंगा टास्क फोर्स, विशाल प्रोटेक्शन ग्रुप के सहयोग से काम हुआ। देखिए हम यहाँ एरो से मार्क करें, महिला चेंजिंग रूम। देश के श्रृंगार है गंगा, नदी नहीं संस्कार है गंगा। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है दशाश्वमेध घाट पर और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। देखिए दक्षिण भारतीय श्रद्धालु जमा है बड़ी संख्या में घाटों पर पिंडदान के निमित्त। ये ऊपर हम चढ़ रहे हैं अब राजेंद्र प्रसाद घाट पर, यहाँ भी देखिए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ आपको दिखेगी। दक्षिण भारतीय श्रद्धालु जमा है बड़ी संख्या में आ रहे हैं काशी में, बस लोड्स, ट्रेन लोड्स, प्लेन लोड्स यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये बड़ा वेलकम डेवलपमेंट है बनारस के लिए, काशी के लिए। इतने लोगों के आने का मतलब है कि इनके आने पर जो ज़रूरतें होंगी उनको पूरा करने के लिए रोज़गार पैदा होगा और काशी के लोगों को रोज़गार मिलेगा, आय बढ़ेगी, ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए घाट वॉक शुरू, सामने माँ गंगा,
भगवान भास्कर भी आकाश में दिखाई देने लगे हैं, उनकी छवि माँ गंगा के निर्मल जल में दिखाई दे रही है, नावें दिख रही हैं सामने और लोग दिख रहे हैं पिंडदान के निमित्त जमा है। मान मंदिर घाट होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक बात हम बताना चाहेंगे कि गंगा पुष्करालु में जुटे तीर्थयात्री घाटों पर पिंडदान के बाद बाबा विश्वनाथ और शहर के अन्य मंदिरों का रुख कर रहे हैं। इससे रोजाना मणिकर्णिका घाट की गली में जबरदस्त जाम लग रहा है और ये बड़ी घटना का कारण बन सकता है। हम प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि इस जाम को प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए कुछ व्यवस्था कर देंगे। पैदल चलने वालों की भीड़ से जाम के कारण कई बुजुर्ग बीमार भी पड़ जाते हैं, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। और भीड़ का दबाव सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहता है। कई बार लोग एक जगह पर ही खड़े रह जाते हैं और ज़्यादा भीड़ के कारण सांस लेने में दिक्कत भी होने लगती है, तो इसको प्रॉपर मैनेज करने से बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। मणिकर्णिका से ब्रह्मनाल होते हुए कचौड़ी गली तक यात्रियों का रेला एकदम लगा रहता है आजकल। गली में भीड़ प्रबंधन का प्लान बना लेना बहुत ही अच्छा रहेगा। आगामी 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम भी है, जो 100वां संस्करण है, और इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। तो जो दक्षिण भारत से लोग आए हैं वो प्रधानमंत्री जी के संबोधन का तेलुगु अनुवाद भी सुन सकेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं। यहाँ पे देखिए त्रिपुर भैरवी घाट के जो ढलान है उस पर नवयुवा अपने रोमांच में चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ चढ़ भी जाते हैं। ये ज़रूर है कि ये कठिन कार्य है और चढ़ने से ज़्यादा उतरना दुरूह कार्य है, क्योंकि उतरने में जो ग्रेविटी के पुल्स है वो भागने लगते हैं और गिरने का डर रहता है। यहाँ देखिए एक और नौजवान तेज दौड़ते हुए त्रिपुर भैरवी घाट की ढलान पे ऊपर तक चढ़ गया और दूसरा भी उसके पीछे पीछे ऊपर तक पहुँच गया। तो ये एक एडवेंचर स्पोर्ट्स बन गया त्रिपुर भैरवी घाट पर, ढलान पर चढ़ना ऊपर और फिर नीचे आना। दोस्तों इस वीडियो को अब हम समाप्त करेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने पर घंटी का बटन आएगा, उसे दबाइए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। वीडियो को अंत तक देखिए, सभी वीडियो को देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे हर वीडियो के नीचे थैंक्स का टैब या बटन है, तो थैंक्स ज़रूर दीजिए, इससे हमें नए वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा। फिर मिलते हैं, नमस्ते।